आप इनसे पूछिए ना। अच्छा जी आप बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मलाइका मैम एक्चुअली चल रही है मेरे आउटफिट में, और इतनी क्वीन लग रही थी वो, मेरे पास शब्द नहीं है। आई लव दीज, आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत ही अलग किस्म का आउटफिट है। आई लव द जैकेट एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट पूरी कलेक्शन बहुत ही प्यारा है। आई लव द कलर्स दैट यू यूज, ब्यूटीफुल जूल टोन्स, एंड खास करके आई थिंक इवन द मेंस वेयर व्हाट यू हैव डन इज रियली नाइस। तो बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट काफ़ी दिनों के बाद जब मैं आई रैंप पर, यू नो टू हैव पीपल चीयर यू एंड बहुत अच्छा लगा, इट वाज रियली नाइस। I can't hear what? हाल ही में किच्चा सुदीप और अजय देवगन की जो कंट्रोवर्सी हुई है हिंदी की, हिंदी को लेके जो विवाद हुआ है उस पे आप? I'm sorry, मुझे तो I'm not even aware, so I can't really comment on what you're saying. I have no idea about what you're talking about, so it wouldn't be fair for me to say anything. And अजय जी आप बताइए कि कैसा होता है एक्सपीरियंस जब जब यू नो रैंप ऑफ होता है एंड मलाइका जी आपके शो स्टॉपर होती है, तो आपके लिए कितना बेस्ट मोमेंट था? आप बस होप करते हो कि सब अच्छा जाए, और वो इतनी खूबसूरत है तो कुछ ज़्यादा हमें, उनको तो कुछ नहीं करना पड़ता है, पर हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वी डू एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, एंड देन व्हेन वी गेट अ शो स्टॉपर लाइक हर, देन इट्स लाइक सोने पे सुहागा। और मलाइका जी आउटफिट के बारे में थोड़ा सा बताइए, लाइक डिफरेंट डिफरेंट। आई थिंक आस्था जी बेटर यू नो इनके बारे में बताएगी, आई थिंक दैट्स मच बेटर। सो आउटफिट्स ये टाइम के आपने देखे होंगे बहुत कलरफुल थे, आपने कुछ कुछ देखा होगा कि मेन्स वेयर और वुमेन्स वेयर में सिमिलर एम्ब्रॉयडरी थी, तो हमने वो ट्राई करने की कोशिश की है कि जेंडर इक्वल एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, सिर्फ लड़कियां ही हैवी आउटफिट्स पहनती हैं अपनी शादियों के लिए। तो हमने ऐसे कुछ करने की ट्राई किया है कि जिससे मेंस वेयर भी लाउड और पॉपी कलर्स पहन सके। तो ये कलेक्शन सोलमेट पर था, और वही हमने डिपिक्ट करने की ट्राई की। नहीं नहीं अनकम्फर्टेबल नहीं, आई थिंक मेरा हल्का सा अटक गया वहाँ पे, बट कभी नो आई एम नेवर अनकम्फर्टेबल, आई हैव अ लॉट ऑफ फन, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम नेवर अनकम्फर्टेबल, सो नो। लेकिन रैंप पे जाने से पहले वो हमेशा वो जब हम रेडी होते हैं तो वो नर्वसनेस रहता है, लेकिन जब आप रैंप एक बार रैंप पे जाते हैं तो आई एम टोटली हैप्पी, आई एम टोटली हैप्पी। मलाइका आप यू आर अ प्रो, आप रैंप पे वॉक बहुत बार कर चुकी, कितना एंजॉय करती हैं जब आप रैंप पे होती हैं और फैशन शोज में आप आती हैं, कितना एंजॉय करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इंस्टेंट ना, मतलब लोग बैठते हैं वहाँ पे, इंस्टेंटली आपको देखते हैं, इंस्टेंटली आपके लिए तालियां मारते हैं, वाह वाह करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स इंस्टेंट लव एंड आई लाइक। ये बहुत ही प्रीटी है एंड आई कैन सी आप इनको देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग यू, बट दैट्स वेरी स्वीट कि आपने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया, दैट्स वेरी नाइस, सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा है, बहुत सब खुश है कि सब चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाए कि वी हैव टू बी केयरफुल, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी दिल्ली में वापस से मास्क का मैंडेट फिर से यू नो स्टार्ट किया है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल सिटीजन, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इधर लेगा तो कम से कम सेंटर चले जाएगा।